बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। मेरे लड्डू लाडू कन्हैया गोपाला जी, बिहारी जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही जल बन का पोहा अपने भैया माता रानी के लिए। तो ये देखिए, ये है पोहा, और ये देखिए, ये है थोड़ी सी धनिया, मिर्च, हल्दी, राई, जीरा, नमक और मूंगफली के दाने। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, हरी बोल। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है शुद्ध सरसों का तेल, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी दाने। और इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें रोस्ट करना होता है, नहीं तो अगर ये ज़रा सा भी जल गए तो पूरा टेस्ट ख़राब कर देते हैं। तो पहले हम इसे रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे, जिससे जल्दी से ठंडे हो जाए और हम इन्हें रब कर सकें इजीली। ये देखिए, मैंने अपनी पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और करके इसमें जीरा, राई, थोड़ा सा इसे स्प्लैटर होने देते हैं जी। और ऑयल आपका बहुत बहुत फ्लेम जो है लो रखिएगा, क्योंकि अब मैं इसी में हल्दी मिर्च वगैरह सब हल्दी भी डाल दूंगी। क्योंकि देखिए, जब मैं हम पोहा डालने के बाद जब हल्दी डालते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें हल्की सी हल्दी की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो आ जाती है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, और जैसे ही स्प्लैटर होना स्टार्ट हो गया जी, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, मिर्च और धनिया, और हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और मिर्च जो है मेरी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं ये डाल दूंगी अपने पोहे, ये मैंने इसमें पोहे ऐड कर दिए हैं अपने, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी। जब भी बनाइए तो आप इसे फ्राई बहुत अच्छे से करिएगा। जितना अच्छा पोहा हमारा फ्राई होता है ना, उतना ही टेस्टी ये होता है, उतना ही ज़्यादा क्रिस्पीनेस इसमें आती है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम कुक होने देते हैं, और फिर हम इसमें अपने मूंगफली के दाने ऐड करके सर्व करेंगे जी। हरी बोल, राधे राधे, हरी हरी बोलो। इस स्टेज पर अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना नमक, से चला लेते हैं। ये हमारा पोहा अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसमें पीनट्स ऐड करके घोल निकालेंगे। हरी बोलो। ये मैंने पीनट्स ऐड कर दिए हैं, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई कर लिएगा। देखिए जब आप ऐसे फ्राई करेंगे ना तो एक एक पोहा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फ्राई होने के बाद टेस्टी भी बहुत लगता है जी। तो चलिए इसे अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और बस केवल 10 सेकेंड। ये ज़रूर करा करिए जब भी आप लोग कोई भी डिश बनाइए तो 5 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए आप लिड ज़रूर लगा दिया करिए। इससे क्या होता है कि जो भी हम खाना बनाते हैं वो कहते हैं ना रज जाता है बहुत अच्छे से, तो वो बहुत और अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए निकालते हैं प्रभु का मैया रानी का भोग। हरी बोल। ये देखिए हमारा पोहा रेडी है, तो चलिए लगाते हैं प्रभु को भोग। भोग लगाने के बाद हरी बोलो राधे राधे, बोलो हरी हरी बोलो राधे राधे जी। तो ये गोपाला के दर्शन और ये मेरे लड्डू लाडू। देखिए मेरे लड्डू लाडू कन्हैया जी और इनका भोग लग चुका है पोहे का जी। सभी का भोग लग चुका है और अब सब भी करेंगे विश्राम। हम मिलेंगे शाम को। हरी बोलो हरी हरी बोलो राधे राधे जी। गोपाला मेरा भैया मेरा बाबू, राधे राधे बोल दो भैया सबको, सभी को राधे राधे जी। ये देखिए कितने आराम से मेरे भैया लोग खाना वाना खा के बैठे हैं जी। तो चलिए हम मिलते हैं शाम को। हरी बोलो राधे राधे।